अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, PEF में नई वेजिलेटर और निगरान की जॉब्स का ऐलान हुआ है, जिसमें आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए एज लिमिट 20 से 40 साल है। तो आज की जो नई जॉब इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल एजी सिंध को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले आज के एडवर्टाइजमेंट की तरफ। आपको बताते हैं कि कौन सी वैकेंसीज़ का इसमें ऐलान हुआ है और इसमें कैसे अप्लाई करना है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने सामने एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, जिसमें कम से कम इंटरमीडिएट क्वालिफाइड अफराद के लिए सुनहरी मौका, इन्वेजिलेटर निगरान अमला के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन PEF एक खुद मुख्तार अदारा है, जो इस के लिए तमाम तहसीलों अजलास पंजाब के जो है वो निगरान सिलेक्ट करता है। इसमें लिए एज लिमिट जो है 20 से 40 साल है, कम अज़ कम इंटरमीडिएट है। इम्तहानी सेंटर की 7:30 से 2:30 बजे तक है, 2:30 तक, और उसके पास अपनी सवारी का इंतज़ाम होना चाहिए। हर शिफ्ट के लिए 1,000 और 2,000 रोज़ाना की बुनियाद पर मुआवजा दिया जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी मुजरमाना कार्रवाई मुलव्वस ना हो, उसके रिश्तेदार या पैफ स्कूलों में पढ़ाने वाला उस्तादा जो वो अमला इस दरख्वास्त को नहीं दे सकते, ये उनकी रिस्ट्रिक्शन है। रजिस्टर जो पहले से रजिस्टर्ड उम्मीदवार हैं, लॉग इन करके अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो नए उम्मीदवार हैं, उनको इनके लिए अकाउंट बनाना होगा PEF की वेबसाइट पर। तो चलते हैं PEF की वेबसाइट पर और देखते हैं कैसे अकाउंट बनाना है। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन PEF की वेबसाइट पर। इसको आपको थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया वगैरह दिखाते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपने अपना जो है वो सिलेक्ट करना है, आपने कौन सी वैकेंसी के लिए। अभी एक ही वैकेंसी है PEF की टेम्परेरी, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना फुल नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, TNSE लिखना, अपना पासवर्ड और री पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड रखना है वो आपने याद भी रखना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड री टाइप करना है, पहले पासवर्ड फिर री टाइप पासवर्ड। उसके बाद आपने ये कोड सिक्योरिटी कोड लिखना है और इसको सबमिट कर देना। जी तो दोस्तों, मैंने अपनी जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल कर ली है और अब यहाँ पे आ गया है कि आपने PEF में थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन PEF, तो मेरा अप्लाई जिसमें जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद मैं क्लिक हियर पे बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं नेक्स्ट इसमें अप्लाई के अहल हो जाऊँगा। तो नेक्स्ट इस पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जब इस पे क्लिक कर गए, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का बटन आया है, यहाँ पे अपना जो पासवर्ड आपने दिया था वो और अपना ID कार्ड, ये दोनों आपने इंटर करने हैं। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है इसको आपने लॉगिन करना है, इसको दर्ज करके आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, जहाँ पे आप अपनी ऐड एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऐड न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन देने के अहल हैं। यहाँ पे आ जाकर आप अपनी मुकम्मल डिटेल सेंड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कम्प्लीट समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।